हाय एवरीवन, हिस्ट्री एमसी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक कल्चर पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्वेश्चन 11, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री कहलाती हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब इसमें आप कृषि और पशुपालन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तो उनका पशुपालन था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु प्रथम विधि निर्माता हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन और भूमि। यहाँ भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रमुख संपत्ति जो ऋग्वेद के अनुसार है वो गोधन है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 18 हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।